नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण प्रसाद आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करवाएंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिस्ट्री। और क्योंकि हिस्ट्री आज के जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं आजकल के सारे में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे PCS हो, UPSC हो, सारे में हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान क्वेश्चनों का रहता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, ये बहुत ही रोचक होने वाला है और आपको मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। हिस्ट्री आप लोग सब जानते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। तो बीते हुए कालखंडों में जो कहानी घटी है उसका अध्ययन ही हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। बीते हुए कहानियों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। और इतिहास का जानकारी कहाँ से हमें मिलती है, उनके स्रोत क्या क्या हैं? तो मुख्यतः इनके दो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोत होते हैं जो हमें खनन से, खुदाई से उत्पन्न होते हैं, और साहित्यिक स्रोत जो हमें लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि उपनिषद है, वेद है, जितने भी साहित्यिक प्रमाण हैं वो सारे हमें साहित्यिक स्रोत के अंदर में आते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ संकेतक होते हैं, जैसे मुद्रा होते हैं, अभिलेख होते हैं, वो सारे से हम हिस्ट्री इतिहास का इसको अध्ययन करते हैं। जनरली भारतीय इतिहास को जो बांटा गया वो तीन कालखंडों में, वो है, अगर हम बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। ये तीन कालखंडों में अपने भारत के इतिहास को बांट के पढ़ते हैं। ये कालखंड कहां से कहां तक है? तो अप टू 712 AD, यानी कि 712 ईस्वी से पहले पहले का जो भी इतिहास है वो सारे जो है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आते हैं। 712 AD टू 1857 AD, 712 से लेकर के 1857 तक का जो काल है वो मध्यकालीन भारत में हम पढ़ते हैं, और 1857 AD से आगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का अध्ययन करते हैं। तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछे जाते हैं। और मैं हिस्ट्री जो अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले इसी पार्ट को लेकर के आगे बढ़ूंगा, और जैसे जैसे ये बढ़ जाएगा उसके बाद हम धीरे धीरे से इस पाठ को प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी धीरे धीरे चालू करेंगे। अभी मेरा मेन मोटो है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को स्टार्ट करें, जिससे कि आपका मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बने। तो इसको जब हम अध्ययन करेंगे 1857 से आगे, जो 1857 में क्या हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था भारत का, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम कहते हैं, वहां से आगे पढ़ेंगे। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज हमारे देश पे अधिकार करके शोषणकारी नीतियां लगा रहे थे, हमारे यहाँ के जनता को, यहाँ के लोग को शोषित कर रहे थे, हमारे देश को शोषित कर रहे थे। तो उसी को उखाड़ने के लिए यहाँ से 1857 में विद्रोह हुआ था, जिसको सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। उससे आगे की हिस्ट्री जो भी है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर अंग्रेज हमारे देश में क्यों आए, क्या अंग्रेज आए तो उसके साथ साथ और कौन कौन से यूरोपियन देश हमारे कंट्री में आए, और किस मकसद से आए, उस समय यूरोप की क्या स्थिति थी, इंग्लैंड की क्या स्थिति थी, और उसके साथ साथ जो भी देश आए उसकी स्थिति क्या है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। तो इसको पढ़ने से पहले हम जो थोड़ा सा पढ़ेंगे वो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो एक पहला पार्ट है, भौगोलिक खोजें, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, मतलब और कैसे भारत आया, भारत आने का क्या रास्ता था, क्या पहले से वो भारत से व्यापार नहीं करता था, जिसको हम जानते हैं कि पहले जो है भारत आने का मुख्य कारण अंग्रेजों का था, वो व्यापार करने का था। तो इसको पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम भौगोलिक खोजें पढ़ेंगे उसके लिए थोड़ा सा मुझे वर्ल्ड का मैप बनाने की जरूरत है। यहां से हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। अब यहां से थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आखिर क्या क्या थोड़ा सा पोर्शन है इसमें जिसको हमको आगे जाकर के पढ़ना है। तो 712 से अगर हम बात करते हैं, 712 से पहले की बात, तो हम लोग को शुरू से मेनली पढ़ना है वो पढ़ना है इस केस में हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता,
इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे नगर जो हड़प्पा सभ्यता के सारे नगर सिंधु घाटी मैक्सिमम नगर सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। तो ये करीब 2500 बीसी पहली कहानी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें ऋग वैदिक पीरियड जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चला। इसमें वेदों का अध्ययन, वेद आए, वेद के हिसाब से समाज को सुधारने का काम किया गया, कैसे कैसे वो इसमें होगा। उसके बाद उत्तर ऋग वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी, ये उत्तर ऋग वैदिक काल आया। इस उत्तर ऋग वैदिक काल में बहुत सारे धर्म के नाम पे आडंबर शुरू हो गए, कर्मकांड शुरू हो गए, जिसको हटाने के लिए फिर वहां से बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे सुधार धर्मों का उदय हुआ। तो उसके बाद जो होगा वो होगा बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय, ये हो जाएगा 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल मतलब पहले कबीला होते थे समाज में छोटे छोटे स्तरों पे, फिर जन हुए, फिर जनपद हुए, फिर महाजनपद हुए, जो भारत को पूरे 16 महाजनपदों में बट गया था और हर महाजनपद के अलग अलग शासक होते थे। उस काल को पढ़ेंगे। उसी काल में हमें मुख्य पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को। ये और उसी समय हम देखेंगे कि अशोक के समय में हमारे भारत कितना विशाल साम्राज्य अशोक ने भारत में स्थापित कर लिया था। तो महाजनपद में एक सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद उभर के सामने आया था वो मगध था, और मगध का ही अशोक था या चंद्रगुप्त मौर्य, सब मगध के ही शासक रहे हैं। उसके बाद गुप्त काल आया, गुप्त काल से बढ़ते बढ़ते बीसी से एडी में आ जाएंगे। एडी में हम आप डिस्कस करेंगे 712 मध्यकालीन भारत इतिहास 712 से स्टार्ट होता है। अब 712 से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि 712 में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत में हुआ था। इससे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण 711 में हुआ था अरबों के द्वारा, लेकिन वो सफल नहीं रहा था। और 712 में हुआ था, अरब के एक शासक मंसूर हज्जाज थे। मंसूर हज्जाज ने 711 में अपने दो सैनिक अब्दुल्लैला और बुंदैला को भेजा था सिंध के क्षेत्रों में, लेकिन वो उस समय वो हार गए थे। फिर 712 में मोहम्मद बिन कासिम को इसने भेजा। मोहम्मद बिन कासिम आकर के सिंध प्रांत के एक राजा थे राजा दाहिर, उसके साथ युद्ध किया और जीता। उस युद्ध को ब्राह्मण राव ब्राह्मणवाद का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय मुस्लिम जो आक्रमण था वो सफल रहा था। तो इसी 712 से हम लेकर के और 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह तक की क्रांति को हम मध्यकालीन भारत में डिस्कस करेंगे। अब देखिए मध्यकालीन भारत में क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये भी हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो 712 में पहला सफल आक्रमण भारत पे, भारत पर पहला मुस्लिमों के द्वारा आक्रमण, मुस्लिमों के द्वारा पहला सफल आक्रमण। उसके बाद और चलता गया 1025 में मोहम्मद गजनी करके एक शासक थे गजनी वंश के, जो भारत पे 17 बार आक्रमण किए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण उनको था 16वां आक्रमण जो किया था वो सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था, जिसमें बहुत सारे धन संपत्ति वो लूट के लेके गए थे। तो वो आक्रमण आया था, वो भी भारत में एक अमिट छाप छोड़ गया था। उसके बाद 1191 और 1192 प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के साथ युद्ध करने आए थे तराइन का प्रथम युद्ध में, जिसमें पहली बार मोहम्मद गोरी तो हार गए और दूसरी बार जब आए तो मोहम्मद गोरी एक साल के बाद जब आए तो वो जीत चुके। यही जो आक्रमण है वहीं से भारत में मुस्लिमों की सत्ता का एक आप समझिए कि खूंटा सा गिर गया तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, और राजपूत वंशों का धीरे धीरे पतन हो गया। तो ये 1192 एक लैंडमार्क है जिसको आप याद रखेंगे, जिसमें तराइन का युद्ध है, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। उसके बाद आया 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत काल। हम क्या पढ़ेंगे, तो पांच वंश आए
पांच वंश में आए, प्रथम स्लेव डायनेस्टी जिसको गुलाम वंश कहते हैं 1206 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। उसके बाद खिलजी वंश आए जिसमें मेन दो सम्राट दो राजा को पढ़ना होता था, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, वो 1290 से 1320 में खिलजी वंश रहा। उसके बाद 1320 से लेकर के 1414 तक, 1320 से 14 तक तुगलक वंश रहा, फिर 1414 से 1451 तक सैयद वंश रहा, उसके बाद 1451 से 1526 तक लोधी वंश रहा, और उसी लोधी को, उसके अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हरा कर पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई थी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, इसको पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके सल्तनत काल को समाप्त कर दिया और मुगल काल की स्थापना हो गई। फिर मुगल काल कहां से शुरू हुआ, तो 1526 से लेकर के 1707 तक मुगल काल चला, जिसमें बाबर राज्य के हुमायूं आया, अकबर आए, अकबर के शासन काल भी बहुत लंबा रहा, अकबर के बाद उसके पुत्र जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब तक 1707 में रहा, जिसको हम मुख्य रूप से मुगल काल के रूप में जानते हैं। उसके बाद 1707 के बाद से 1707 से 1758 जो मुगल का ही शासक था लेकिन उतना योग्य शासक नहीं रहा, जिसको हम उत्तर मुगल काल में पढ़ेंगे। हम इस सारे टॉपिक को एक एक वीडियो, एक एक या दो दो वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, बाद में जाकर डिस्कस में ओवरव्यू आप तब तक समझ लीजिए। और 1857 जब हम पहुंच जाएंगे वहां पे, उसके बाद फिर से हम तब तक 1498 में वास्को डी गामा भारत आ जाते हैं, भारत की खोज कर लेते हैं, उसको हम देखेंगे भौगोलिक खोज में, और उसके बाद अंग्रेज का जो शासन हो जाता है, और 1857 से जो हमारा सैनिक 1857 में शादी विद्रोह होता है, वो मेरा स्वतंत्रता अपना स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं 1857 से जो आगे पढ़े तो उसका थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं भौगोलिक खोज विश्व के मानचित्र के साथ। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने वर्ल्ड का मैप थोड़ा सा रफ ड्रॉ किया है, उसमें आइए हम लोग देखते हैं कि यूरोप का जो भौगोलिक स्थिति क्या है थी और उस समय में उसकी परिस्थिति क्या थी, जो उस समय यूरोप इतने सारे साम्राज्य को दुनिया पे अपने इतने सारे साम्राज्य स्थापित कर लिए। तो यूरोप की जो यहाँ पे स्थिति थी, यूरोप का जो लोग थे, यूरोपियंस थे, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और वो एक मध्य युग था उस टाइम का, अगर हम बात करें तो युगीन सभ्यता का, तो मध्य युग था और उस समय वो लोग समझते थे कि हम वर्ल्ड में सबसे श्रेष्ठ हैं। और वहां पे एक सामंती प्रवृत्ति का समाज था, वैज्ञानिक आविष्कार होने वाला था। हम यहाँ पे थोड़ा सा महादेशों की स्थिति देख लेते हैं कि कौन सा महादेश कहाँ पे है, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे रहता है, इसके बाद साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप है और एशिया है। यूरोप और एशिया शुरू से स्थल मार्ग से जुड़े हुए थे और उनको बीच में डिवाइड करता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है, इसीलिए इस क्षेत्र को यूरेशिया भी कहते हैं हम लोग। अपना इंडिया यहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अंटार्कटिक साउथर्न ओशियन है और ये ऊपर आर्कटिक ओशियन है। ये इस तरह का वर्ल्ड का एक डिवीजन, भौगोलिक डिवीजन है। तो इसमें यूरोप का जो स्थिति है, यूरोप स्थल मार्ग से एशिया से पहले से जुड़े हुए थे और स्थल मार्ग से यहाँ के जो यूरोपियंस है वो पहले से व्यापार करने में ज्यादा रुचि रखते थे। तो वो उस समय छोटे छोटे चूंकि जहाज थे, तो वो यहाँ पे एक भूमध्य सागर है जनरली इसमें, और बाल्टिक सागर एक यहाँ पे है उसमें ही वो व्यापार करते थे। और वो जनरली एक यहाँ पे, ये तुर्की देश है, यहाँ पे तुर्की से आगे जो यहाँ का कंट्री है, एक जगह है, कंट्री नहीं एक जगह था उस समय कुस्तुनतुनिया, उससे होकर के जो यहाँ से एक लिंक प्रोवाइड करता था एशिया आने का, उसी स्थल मार्ग से यूरोपियंस एशिया में आकर के थोड़ा बहुत व्यापार किया करते थे। और जब पुर्तगाली यात्री जो है 1200-1300 एक पुर्तगाली जो मार्को पोले यात्री थे, चाइना का जो यात्रा किया था, तो अपनी यात्रा वृतांत में यूरोप चाइना का जो कुबलई खान है वो एक शासक था जिसका समृद्धि के बारे में, और अपने इंडिया के जो विजयनगर, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के समृद्धि के बारे में अपनी यात्रा वृतांत में बताया था, जिससे यूरोपवासी जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्धि के बारे में उनको थोड़ा बहुत पता था और वो चाहता था कि इस क्षेत्रों से वो व्यापार करे। लेकिन
15वीं शताब्दी से जस्ट 5 दशक पूर्व तक यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन हुआ जो यहाँ तुर्क साम्राज्य है, तुर्की वो इस कंट्री पे, इस जगह जो कुस्तुनतुनिया है आजकल आधुनिक, इसको हम इस्तांबुल कह सकते हैं, इस्तांबुल, वहां पे वो कैप्चर कर लिया। कैप्चर कर लिए करने के बाद वहां पे वो जो रास्ता था व्यापारियों को, उस पे वो भारी कर लगाना चालू कर दिया, जिसके कारण से व्यापारी है उसको ज्यादा मुनाफा नहीं होता था और धीरे धीरे इस रास्ते से व्यापार बंद हो गया। तो जब बंद हो गया तो यूरोपियंस व्यापारी थे, समाज थे, वो एक नए रास्ते ढूंढने लगे। समुद्री मार्ग की वजह था कि हम इस साइड में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जाकर के व्यापार कैसे करें। तो इसके लिए अब यूरोपियंस का, अगर पृथ्वी के ज्ञान के बारे में बात करें तो यूरोपियंस को पृथ्वी के ज्ञान बहुत अल्प था और वो ये समझते थे कि आगे कोई दुनिया ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका के बारे में उस समय तक उनको कुछ पता ही नहीं चला था। उस समय दिशा सूचक यंत्र कंपास नहीं हुआ करता था जिससे वो पता चल सके कि समुद्र में वो अगर जाते हैं ज्यादा दूर तक तो कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, उसको पता नहीं चलता था। इसीलिए वो अटलांटिक महासागर में अपने छोटे छोटे नाव को नहीं उतारते थे कि कहीं भटक जाएंगे तो फिर मिल नहीं पाएंगे। उसको ये लगता था कि पृथ्वी चपटी है और समुद्र में अगर ज्यादा दूर तक जाएंगे तो पृथ्वी के दूसरे किनारे से गिर जाएंगे और अनंत में विलीन हो जाएंगे। ये सारे जो उस समय एस्ट्रोलॉग नहीं था जो इससे चांस को मापा जा सके, तो ये सारी जो दिक्कत थी जो यूरोप वासियों को व्यापार को सीमित कर दिया था और भूमध्य सागर और अस्थल मार्ग में ही समेट के रख लिया था। तो अब जब ये कुस्तुनतुनिया पे अधिकार हो गया तुर्कियों का तो वो एक अल्टरनेट मार्ग को ढूंढने लगा था। साथ ही ये अरब, यहाँ पे कंट्री पड़ता है अरब कंट्री, ये तुर्की, उस समय 6th सेंचुरी के आसपास इस्लाम धर्म का भी उदय हो चुका था। तो यहाँ पे एक अरब में एक यहाँ पे एक जगह है जेरूसलम, जो यहाँ पे ईसा मसीह का एक समाधि स्थल माना जाता है, समाधि स्थल है जो ईसाइयों के लिए एक पवित्र स्थल है। तो यूरोप ये जो जेरूसलम पे अरबों ने अधिकार कर लिया जो कि ईसाई धर्मों का एक पवित्र स्थल था। अब ईसाइयों को और इस्लाम धर्मों के वर्चस्व की स्थिति बन गई जिसके कारण 10वीं और 11वीं स्थिति में ईसाइयों और अरबों के बीच धर्म युद्ध चला और ये कहा जाता है कि 7 धर्म युद्ध चले जिसको क्रूज वार भी कहते हैं। और उस वार में यूरोपियंस को बुरी तरह से अरबों से पराजय का सामना करना पड़ा जिसके कारण यूरोपियंस का जो मिथ्या अभिमान था वो टूट गया और उसको ये लगा कि हमें दुनिया को नए सिरे से जानने की जरूरत है। और जब जिसको ये लगा कि दुनिया को नए उसे हर पहलू को समझने की जरूरत है तो इससे एक पुनर्जागरण की, यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक है, अब जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पे तुर्की का साम्राज्य स्थापित हो गया तो उस समय यहाँ पे एक कंट्री है पुर्तगाल और एक है स्पेन, दोनों साथ में जुड़ा हुआ है जो कि यूरोपियन ही कंट्री है और यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा जो भौगोलिक खोजों में सबसे ज्यादा आगे था उस समय में पुर्तगाल और स्पेन ही आगे था। तो वो बाद में जाकर के इंग्लैंड, फ्रांस, डच सब आगे हो गए, जर्मनी भी आगे हुए, लेकिन शुरू में पुर्तगाल ही आगे था। तो ये अब हम देखते हैं कि ये इसकी पृष्ठभूमि भौगोलिक खोजों की कैसे तैयार हो गई। तो अल्टरनेट रास्ते को ढूंढने के लिए यूरोप जो है नए नए आविष्कार को करना चालू कर दिए, यूरोपीय नए नए आविष्कार को करना चालू कर दिए, नए नए नाव को विकास करना चालू कर दिए। उसने अरबों से कंपास कैसे बनाया जाता है, कंपास बनाना सीख लिया, छोटे अपने जो व्यक्तिगत परंपरागत व्यक्तिगत और पर छोटे छोटे नाव होते थे और ये परंपरागत नाव है उसके बदले वो खांचा पद्धति का इस्तेमाल करके बड़े और मजबूत नाव बना लिए। पहले वो हवा उसके जो पहले वाले नाव थे जो कि जिसकी गति और सुरक्षा हवा पे निर्भर रहती थी उसको उस निर्भरता को धीरे धीरे उसने खत्म की। दोस्तों, तो भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि कैसे कैसे तैयार हुई है उसको हम थोड़ा सा एक एक लाइन में लिखते चले जाते हैं। तो पहला क्या था कि यूरोपियंस का पराजय अरबों के हाथों, तो धर्म युद्ध में। दूसरा क्या होगा, जब पराजय हो गया तो उसको लगा कि नए नए हमें दुनिया को नए पहलू से देखना चाहिए। 1453 में इसी में कुस्तुनतुनिया
दुनिया पर तुर्की का अधिकार, जिससे क्या हो गया कि ये जो रास्ता था ये व्यापारियों के लिए बंद हो गया और वो नए रास्ते ढूंढने चालू किए। उसके बाद क्या हुआ, जब रास्ते तो उन्होंने अपने भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि की, थोड़ी सी भौगोलिक ज्ञान बढ़ाए, नए नए कंपास अरबों से सीखा, तो कंपास उस समय तक दूरबीन का भी आविष्कार हो चुका था जो कि समुद्री अभियान में बहुत सहायक साबित हुआ, तो दूरबीन का आविष्कार। अब मानचित्र में काफी सुधार हो चुका था और अक्षांश मापने की मशीन एस्ट्रोलोब का भी खोज हो चुका था, तो परंपरागत जो नाव बनाते थे उसके बदले वो खांचा पद्धति का इस्तेमाल करने लगा, तो निर्माण। इन सब आविष्कार और साहस के दम पे पुर्तगाली और यूरोपियन व्यापारी सब जो है अपने जहाज अटलांटिक महासागर में उतार दिया। ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक में उतारा, जो पहले भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर में हुआ करता था व्यापार, अब अटलांटिक महासागर में उसने अपने जहाज को उतार दिए। पुर्तगाली व्यापारियों ने पहली बार एक हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल नामक एक जहाज का निर्माण किया था। इसमें और एक पॉइंट जोड़ लीजिए, पुर्तगाली के द्वारा ये सारे पॉइंट्स आप भौगोलिक खोज के पृष्ठभूमि में नोट कर सकते हैं। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में एक पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज, नाम याद रखिएगा दोस्तों, 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम साउथर्न पॉइंट जिसको केप ऑफ गुड होप वहां तक करीब 11,500 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां तक पहुंच गया बार्थोलोमियो डियाज 1488 ईस्वी में यहां पहुंच गया। इसके बाद स्पेन का एक नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ये भी निकला यहां से, स्पेन यहां पे है, यहां से निकला और वो 1492 में अमेरिका के तट पे पहुंच गया। अमेरिका के तट पे पहुंच के उसने इसको एक नई दुनिया बोला, क्योंकि इससे पहले अमेरिका के बारे में किसी यूरोपियंस को कोई जानकारी नहीं थी, तो वो एक नई दुनिया बोला क्रिस्टोफर कोलंबस। और 1492 में जब वो नई दुनिया बोला उस समय वो इस भूभाग को भारतीय उपमहाद्वीप का ही भूभाग समझा और यहाँ के लोगों को रेड इंडियन के नाम से बोला। उसके बाद स्पेन के ही एक और नाविक शासिना था अमेरिको वेस्पुची, वो इस दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसको अमेरिका, उसी के अमेरिको के नाम पे इस भूभाग का नाम अमेरिका पड़ा। तब तक क्या हुआ था कि एक पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से चलते हुए केप ऑफ गुड होप आया और केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के मालाबार तक केरल पहुंच गया और उसने भारत की खोज कर ली। भारत की खोज इस में की कि समुद्री रास्तों से भारत का रास्ता ढूंढ लिया उसने व्यापार करने का 1498 ईस्वी में, और जहां वो पहुंचा वहां का स्थानीय शासक जमोरियन था जो वास्को डिगामा का थापी स्वागत भी किया। अब यहां तक उसने कैसे पहुंचे, यहां तक उसने पहुंचे क्योंकि बार्थोलोमियो डियाज तो पहले ही 1488 में इस रास्ते को देख लिया था केप ऑफ गुड होप तक। यहां पे जब वास्को डिगामा आया तो उसको एक भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद से मुलाकात हो गई और अब्दुल मजीद उसको भारत का सीधा रास्ता दिखा दिया और वो वहां पे उसको लेके चले गए। ये घटना अपना हिस्ट्री, भारत के हिस्ट्री में एक लैंडमार्क रखता है। इसी घटना के कारण यूरोप के और भी कंपनी, ये रास्ता जब उसको पता चल गया तो यूरोप के और सारे भी व्यापारी भारत आए। और भारत क्यों आए, तो क्योंकि जब वास्को डिगामा आया यहां से तो वहां से वो कपड़ा और मसाला जो वस्तु सब लेकर के जब यूरोप के बाजार में आए तो कहा जाता है कि 26 गुना मुनाफा कमाया। उसके बाद 1500 ईस्वी में एक दूसरा व्यापारी भी आया जिसका नाम था पेट्रो अल्वरेज दूसरा व्यापारी आया, वो भी
यहाँ से वस्तु लेकर के और यूरोपियन व्यापार में बेचने लगा। उसके बाद 1502 में फिर से वास्को डी गामा आ गए, फिर वहां से सामान सब लेकर के। तो वहां जब यूरोप में ये सब व्यापारी मुनाफा सामान लेके जाते थे और इतने मुनाफा कमाते थे, तो वहां के गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और वो सोचने लगी कि क्यों ना हम एक व्यापारी कंपनी बना दे, एक वायसराय नियुक्त करके इस क्षेत्र में भेज के अपना कंपनी को स्थापित किया जाए। तो इस क्षेत्र में पुर्तगाल ने सबसे पहले अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करके वायसराय नियुक्त करके भारत में भेज दिया। तो वो हम देखेंगे भारत में यूरोपियन के आगमन में के क्रम, जब वीडियो बनाएंगे तो उस क्रम में हम देखेंगे कि कौन कौन से कंट्री यूरोपियन कंट्री भारत में आए। और 1519 ईस्वी में एक शासक यूरोपियन शासक नावी मैगलेन ने अपने नाव से पूरे समुद्र का चक्कर लगा के एक स्थान से जब शुरू किया और दूसरे स्थान पे सेम ही स्थान पे पहुंच गया, तो वो साबित कर दिया कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी खोज कर लिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपियंस को पूरे पृथ्वी का एक संपूर्ण ज्ञान, विस्तृत ज्ञान हो चुका था। इस भौगोलिक खोज में शुरू में पुर्तगाल और स्पेन सबसे आगे था। पुर्तगाल के जो राजकुमार थे जिसको हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जानते थे, और स्पेन की जो महारानी था इसाबेला वो प्रमुख रही जो नए भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया, और बाद में जाकर के इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी भी उसमें शामिल हो गए। तो इस वीडियो में हमने अभी देखा कि भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि कैसे हुई और कैसे यूरोपियंस भारत पहुंचा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भौगोलिक खोज का परिणाम क्या क्या हुआ है, जिससे हमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक बेस तैयार होगा कि जो परिणाम रहे हैं जिसमें साम्राज्यवाद का, क्योंकि वस्तु जब व्यापार ज्यादा होने लग गया तो उद्योग लगने लगे तो यूरोप में एक औद्योगिक क्रांति सी हो गई, औद्योगिक क्रांति होने लगी तो उद्योग में ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया, प्रोडक्शन के माल को बेचने के लिए बाजार की जरूरत थी, तो बाजार ढूंढने के लिए उसने जो अनडेवलप्ड कंट्री थे उस पे अपने कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया और यह एक साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो भौगोलिक खोजें हुई इसका परिणाम विश्वव्यापी क्या क्या रहा और इससे विश्व कैसे प्रभावित हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनको लाभ हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम भौगोलिक खोज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसको आप भौगोलिक खोज लिख लीजिए।